हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, ऐसा आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे, आज हम बात करने वाले हैं कोर्ट मैरिज और मैरिज रजिस्ट्रेशन के बारे में, मतलब दोनों में क्या अंतर होता है। ठीक है गाइस, तो गाइस देखो, मैं आपको पहले बताता हूँ कोर्ट मैरिज की क्या हिसाब होता है। कोर्ट मैरिज का गाइस, कोर्ट मैरिज में क्या होता है, उसमें आपको 30 से 35 दिन लगते हैं, क्योंकि पहले आपको करना होता है कोर्ट में अप्लाई शादी के लिए। ठीक है, अप्लाई करने के बाद कोर्ट उसकी वेरिफिकेशन करता है, मतलब आप दोनों के बारे में, कि आप जो शादी करना चाहते हो, जो कपल है, वो एक दूसरे के भाई बहन, ब्लड रिलेशन वगैरह तो नहीं है। ठीक है, या फिर कोई पहले से शादीशुदा तो नहीं है, क्योंकि जो पहले से मैरिड होगा अगर वो दूसरी बार शादी करना चाहता है तो वो तो वैलिड नहीं है, वो आप भी जानते हो। ठीक है, तो ये सारे काम जब कोर्ट करता है, उनको कोर्ट को टाइम लगता है 30 से 35 दिन, 40 दिन तक लग जाता है आराम से। ठीक है, और इसी बीच में वो कोर्ट में एक नोटिस भी लगा देते हैं कि भाई किसी को कोई दिक्कत हो इस शादी से, तो वो आकर कोर्ट में बता सकता है कि ये दिक्कत है भाई हमें। अब दिक्कत का मतलब ये नहीं है कि मतलब कोई भी आके कुछ ये बोल दे, समझ रहे हो, दिक्कत मतलब कि जैसे आपको बताया ना मैंने कि भाई जैसे भाई इसकी शादी पहले से हो रखी है, किसी के माँ बाप बोल दे दोनों में से किसी के भी कि इसकी शादी पहले से हो रखी है, या ये दोनों ब्लड रिलेशन में दोनों भाई बहन है, जो भी है। ठीक है, इसमें 30, 35, 40 दिन जाते हैं, ये होती है कोर्ट मैरिज। ठीक है, इस और कोर्ट रजिस्ट्रेशन क्या होता है, कोर्ट में रजिस्ट्रेशन, मैरिज रजिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है, जिसको बोलते हैं मैरिज रजिस्ट्रेशन। इसमें क्या होता है, आपको पहले शादी करनी होती है आर्य समाज मंदिर में। ठीक है, आर्य समाज में अगर आपने शादी कर ली, उसके बाद आपको वहाँ से एक सर्टिफिकेट मिलता है, मैरिज सर्टिफिकेट, आप सबको पता ही होगा। उस सर्टिफिकेट को आप कोर्ट में जाकर रजिस्टर करवा सकते हो। ठीक है, और अगर आपका वो सर्टिफिकेट एक बार कोर्ट में रजिस्टर्ड हो गया, ठीक है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, वो एक दिन में हो जाता है वो काम, उसमें कोई ज़्यादा टाइम लगता नहीं है रजिस्टर करवाने में। अगर आपका वो रजिस्टर्ड हो गया तो कोर्ट मैरिज में जो कोर्ट मैरिज का रजिस्टर्ड वो मिलता है सर्टिफिकेट, और जो आप मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाते हो उसमें जो सर्टिफिकेट मिलता है, दोनों ही इक्वल होते हैं। समझ गए मेरी बात, मतलब कि कोर्ट मैरिज जो आप करते हो और जो मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाते हो, आर्य समाज से शादी करने के बाद आप जो मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाते हो वो सर्टिफिकेट, और जब कोर्ट मैरिज करते हो कोर्ट के अंदर, वो दोनों के सर्टिफिकेट ही इक्वल होते हैं बराबर। समझ गए मेरी बात, ये नहीं कि आपने कोर्ट मैरिज करी तब वो सर्टिफिकेट की मान्यता ज़्यादा है, या आपने कोर्ट मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाया है उसकी मान्यता अलग है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों की ही एकदम वो है, इक्वल वो है सर्टिफिकेट की वैल्यू। ठीक है, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपको जल्दी जल्दी शादी करनी है, देखो ज़्यादातर लोग ऐसे वही करते हैं, मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं, क्योंकि वो जल्दी भी जाती है और उसका प्रोसेस भी आसान होता है, समझिए मेरी बात, ताकि आपने पहले शादी कर ली बाहर आर्य समाज वगैरह में, तो वहाँ का सर्टिफिकेट वगैरह लेकर आपने कोर्ट में रजिस्टर्ड करवा लिया, तो ज़्यादातर लोग वही करते हैं, वही आसान होता है ज़्यादातर करना, आपको भी पता होगा इस बारे में। ठीक है गाइस, तो चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।